हेलो गाइस, मैं स्कोतम गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ TDS ऑन कमीशन या ब्रोकरेज एंट्री इन टैली RP99 कैसे करेंगे। गाइस, जिसका सेक्शन है सेक्शन 194H, और गाइस इसकी TDS रेट जो है सेक्शन 194H के वो है 3.75%, जो कि गाइस 14 मई 2020 से एक अपडेट आई थी, और फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ये 4% से घटाकर 3.75% कर दिए गए थे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कमीशन रिसीव्ड एंट्री, यदि आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो उसकी एंट्री टैली में कैसे करेंगे। और गाइस, यदि आप कमीशन रिसीव करेंगे और जो आपको कमीशन देगा वो आपका TDS काटकर आपको पेमेंट करेगा, तो वो आपके लिए एसेट्स होगी या लायबिलिटी होगी, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और गाइस, यदि आप कमीशन दे रहे हैं तो भी मैं आगे इस वीडियो में आपको एंट्री बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ये TDS ऑन कमीशन या ब्रोकरेज एंट्री इन टैली RP9। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कमीशन रिसीव्ड एंट्री। गाइस, मैं आपको बता दूँ, मेरी वीडियोज़ की खास बात ये है, क्योंकि गाइस मैं एक एक अकाउंट को उसका रीज़न भी बताता हूँ ये किस वजह से डेबिट हो रहा है और किस वजह से क्रेडिट हो रहा है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर कमीशन रिसीव्ड एंट्री है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी, जैसे मान लीजिए आर्या कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, आर्या कंस्ट्रक्शंस को हमने कमीशन, ठीक है, तो हमने मान लीजिए जैसे सर्विस प्रोवाइड कराई है, ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। यदि हम अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे तो वो करेंगे बाय आर्या कंस्ट्रक्शंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। हमें कमीशन रिसीव हो रहा है, आर्या कंस्ट्रक्शंस ने हमें कमीशन दिया है, ठीक है, उसने दिया है, हमने रिसीव किया है, ठीक है। तो देखिए, कमीशन रिसीव्ड ये है हमारी इनडायरेक्ट इनकम, और गाइस इनडायरेक्ट इनकम हमारी क्रेडिट होती है, तो कमीशन रिसीव को हमने क्रेडिट किया है और पार्टी हमारी डेबिट होगी, क्योंकि गाइस सन्ड्री डेटर जो हैं वो हमारे डेबिट होते हैं, आर्या कंस्ट्रक्शन सन्ड्री डेटर है, इसलिए डेबिट किया है। कमीशन रिसीव्ड हमारी इनडायरेक्ट इनकम है और सभी इनकम क्रेडिट होती हैं, इसलिए हमने कमीशन रिसीव्ड को क्रेडिट किया है। और गाइस, जो हमारा आउटपुट GST है, चाहे वो CGST हो, SGST हो या IGST हो, वो भी हमारा क्रेडिट होता है। आउटपुट CGST एट द रेट 9% अकाउंट क्रेडिट, तो ये भी हमारा क्रेडिट होगा 2250 रुपये, और टू आउटपुट SGST एट द रेट 9% अकाउंट क्रेडिट, तो हमारा जितना भी आउटपुट जो GST है, चाहे वो CGST हो, SGST हो या IGST हो, वो हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। अब गाइस देखिए, ये तो हो गई एक सिंपल एंट्री, ये तो हो गई हमारी सिंपल एंट्री। अब गाइस आप कहेंगे इसमें TDS की एंट्री कहाँ है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है TDS ऑन कमीशन या ब्रोकरेज, ठीक है, ये तो हो गई हमारी सिंपल एंट्री। अब उसके बाद जो हम एंट्री करेंगे, देखिए, अब जो जिसने हमें कमीशन दिया है तो वो हमें TDS काट कर पेमेंट करेगा, तो जो हमारा वो TDS काटेगा वो हमारी एसेट्स बन जाएगी, और सभी एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं, एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं, तो TDS रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू आर्या कंस्ट्रक्शंस अकाउंट क्रेडिट। देखिए, आर्या कंस्ट्रक्शंस ऊपर डेबिट हो रहा है कितने से, 29,500 से, यदि हम इसे क्रेडिट कर देंगे 938 रुपये से, तो ये हमारा 29,500 में से माइनस हो जाएगा 938 रुपये, क्योंकि यहाँ पर हमने टू आर्या कंस्ट्रक्शंस को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं, कितने से, 938 रुपये से, ठीक है, TDS रिसीवेबल है एसेट्स, इसलिए डेबिट हो रहा है, और टू आर्या कंस्ट्रक्शंस को 938 रुपये से कम करेंगे तो इसे हम क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये तो होगा हमारी TDS की एंट्री, यदि हमारा कोई TDS काटता है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी की जगह पर एसेट्स हो जाती है, करंट एसेट्स, ठीक है। अब यदि हम, ये तो थी अलग अलग एंट्री, और यदि हम इसकी कंबाइंड एंट्री करेंगे तो वो कैसे करेंगे, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, कमीशन रिसीव्ड कंबाइंड एंट्री,
ठीक है, दोनों को मिलाकर एक एंट्री कैसे करेंगे, जैसे कि बाय आर्य कंस्ट्रक्शंस अकाउंट डेबिट, तो ये हमारी सेम ही रहेगी। हमने जो हमारा आर्य कंस्ट्रक्शंस था ऊपर, उसको भी हमने डेबिट किया था, ठीक है। बट गाइज यहाँ पे अमाउंट चेंज होगी, देखिए अब सिर्फ जो ऊपर वाली एंट्री है वो सेम है, बिल्कुल सेम है, बस इसमें फ़र्क क्या है, हमने टी डी एस रिसीवेबल को डेबिट किया है, यहाँ पर ऐड किया है, मतलब 938 रुपये, मतलब आर्य कंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर हमने 938 रुपये से कम कर दिया है, ठीक है, जो कि हमारा आर्य कंस्ट्रक्शंस है 28,562 रुपये और टी डी एस रिसीवेबल में 938 रुपये ऐड कर दिए हैं। जैसे कि आप ऊपर वाली एंट्री देख सकते हैं जो कि सिंपल एंट्री थी, फिर हमने टी डी एस की एंट्री करी थी। अब यदि हमें कंबाइंड एंट्री करनी है तो क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल ऊपर वाली एंट्री ही की तरह ही है, बट गाइस इसमें टी डी एस रिसीवेबल को ऐड किया है, डेबिट किया है, क्योंकि ये एसेट्स है, एसेट्स हमारी डेबिट होती है, बिल्कुल सेम एंट्री है, आप देख सकते हैं। कमीशन रिसीव्ड इसको भी हमने क्रेडिट किया है, आउटपुट जीएसटी जो कि हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी ये भी हमारा क्रेडिट है, बट इसमें चेंजेस कहाँ पर है, कंबाइंड एंट्री में हमने डेबिट किया है टी डी एस रिसीवेबल को, कितने से, 938 रुपये से, ठीक है। और जो आर्य कंस्ट्रक्शंस है वो है 28,562 रुपये, जो कि ऊपर वाली एंट्री में आ रहा है 29,500 रुपये, ठीक है। तो आपको जो कंबाइंड एंट्री करनी है वो ऐसी करनी है, यदि आप एक एंट्री करना चाहते हैं, दो एंट्री की जगह पर यदि आप एक एंट्री करना चाहते हैं तो आप कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद जो होगी वो होगी रिसिप्ट एंट्री। गाइस रिसिप्ट एंट्री में जैसे कि हमारा कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा, तो गाइस मैं आपको बता दूं कैश या बैंक यदि बढ़ता है, यदि बैलेंस बढ़ता है कैश या बैंक का तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। तो कैश या बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा बढ़ने पर, और टू आर्य कंस्ट्रक्शंस हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एंट्री होगी वो होगी रिसिप्ट वाउचर में। आगे मैं टैली में आपको प्रैक्टिकल सभी एंट्री करके बताने वाला हूँ, तो गाइस इस वीडियो के अंत तक जुड़ रहे हैं। और गाइस अब मैं आपको बताऊँगा, अब देखिए ये तो हमें कमीशन रिसीव हुआ है, ठीक है, हमारे पास कमीशन रिसीव हुआ है तो हमने अपने बुक्स में एंट्री की है, ठीक है। अब जो हमें कमीशन देगा, जिसने हमें कमीशन दिया है, तो वो अपनी बुक्स में एंट्री कैसे करेगा, तो अब मैं आपको वो एंट्री बताने वाला हूँ, कमीशन गिवन एंट्री, ठीक है। तो उसकी जो एंट्री होगी, तो उसकी एंट्री होगी बाय कमीशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो गाइस हमारा कमीशन जो है खर्चा है, और सभी खर्चे डेबिट होते हैं, इसलिए कमीशन एक्सपेंसेस को भी हमने डेबिट किया है। कमीशन एक्सपेंसेस खर्चा है और खर्चे हमारे सभी डेबिट होते हैं 25,000 रुपये। और इसके बाद आप बाय इनपुट सीजीएसटी एट द रेट 9% अकाउंट डेबिट। गाइस देखिए आउटपुट जीएसटी को हम क्रेडिट करते हैं, बट जो हमारा इनपुट जीएसटी है, चाहे वो सीजीएसटी हो एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, इनपुट जीएसटी हमारा डेबिट होता है, इसलिए हमने इनपुट सीजीएसटी एट द रेट 9% 2,250 रुपये और बाय इनपुट एसजीएसटी एट द रेट 9% अकाउंट डेबिट 2,250 रुपये। अब गाइस टीडीएस पेबल, अब देखिए अब जो टीडीएस काट कर जो पेमेंट की जाएगी, ठीक है, तो वो भी इसमें हमारी टीडीएस पेबल हो जाएगा। तो ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है 938 रुपये से। और टू मित्तल ट्रेडर्स, ठीक है, तो हमारे जो सन्ड्री क्रेडिटर होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए मित्तल ट्रेडर्स को हमने क्रेडिट किया है, ये सन्ड्री क्रेडिटर है। अब गाइस इसकी जो पेमेंट एंट्री होगी वो होगी बाय मित्तल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो कैश या बैंक यदि घटता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए कैश और बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब गाइस चलते हैं टैली की तरफ, और मैं आपको टैली में प्रैक्टिकल एंट्री करके बताऊंगा। तो हम आ चुके हैं गेट ऑफ टैली पर, हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। और गाइस जो हम एंट्री करेंगे वो करेंगे जर्नल वाउचर में,
जो हमारी कमीशन रिसीव एंट्री है वो होगी हमारी जनरल वाउचर में। तो आर्या कंस्ट्रक्शंस अकाउंट डेबिट 29,500 रुपये टू कमीशन रिसीव्ड, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट 25,000 रुपये टू आउटपुट CGST एट द रेट 9%, 2,250 रुपये टू आउटपुट SGST एट द रेट 9% अकाउंट क्रेडिट 2,250 रुपये। ठीक है गाइस, अब मैंने आपको पहले ही एंट्री समझा चुका हूँ, अब मैं आपको यहाँ पर इसके लेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। आर्य कंस्ट्रक्शंस अंडर ग्रुपिंग सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री डेटर के आएगा अंडर ग्रुपिंग, और कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम में आएगा अंडर ग्रुपिंग, आउटपुट CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा अंडर ग्रुपिंग, और इनपुट SGST एट द रेट 9% ये भी अंडर ग्रुपिंग ड्यूटी एंड टैक्सेस में ही आएगा। ठीक है, ये हमने एंट्री कर लिया। अब उसके बाद अब इसका इफेक्ट देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए, हमारी कमीशन रिसीव्ड ये थी हमारी इनडायरेक्ट इनकम जो कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुकी है, और इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा, हमारा आउटपुट CGST 9%, आउटपुट SGST 9% ये हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में चला गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में चला गया। और जो आर्य कंस्ट्रक्शंस है ये हमारा सन्ड्री डेटर है, ठीक है, ये हमारा सन्ड्री डेटर में चला गया, कितने 29,500 रुपये आर्य कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब उसके बाद TDS की एंट्री करेंगे, जो कि TDS की एंट्री इसमें करेंगे, TDS रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आर्या कंस्ट्रक्शंस अकाउंट क्रेडिट 938 रुपये। ठीक है, नेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब देखिए बैलेंस शीट में हमारे 938 रुपये करंट एसेट्स में आ चुके हैं, और जैसे कि आर्य कंस्ट्रक्शंस हमारे 29,500 के थे, ये घटकर 938 रुपये 29,500 में से घटकर 938 रुपये 28,562 रुपये बचे, और जो हमारा TDS रिसीवेबल है ये करंट एसेट्स है, और ये हमारे करंट एसेट्स की साइड में 938 रुपये आ चुके हैं। ठीक है, अब यदि हम कंबाइन एंट्री करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अलग अलग एंट्री की, बट अब हम जो कंबाइन एंट्री करने वाले हैं वो करेंगे एक ही एंट्री में, वो भी जनरल वाउचर में। तो आर्या कंस्ट्रक्शंस अकाउंट डेबिट 28,562 रुपये टू TDS रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सॉरी, बाय TDS रिसीवेबल 938 रुपये टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट 25,000 रुपये टू आउटपुट CGST एट द रेट 9% अकाउंट क्रेडिट 2,250 रुपये, टू आउटपुट SGST एट द रेट 9% अकाउंट क्रेडिट 2,250 रुपये। ठीक है, ये हमने एंट्री कर ली है। अब मैं आपको एक बार लेज़र ओपन करके दिखा देता हूँ कौन सा लेजर किसके अंडर ग्रुपिंग आएगा। आर्य कंस्ट्रक्शन सन्ड्री डेटर अंडर ग्रुपिंग आएगा, और TDS रिसीवेबल ये हमारा करंट एसेट्स अंडर ग्रुपिंग आएगा, और कमीशन रिसीव्ड ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट इनकम, आउटपुट CGST अंडर ग्रुपिंग ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, SGST ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस अंडर ग्रुपिंग आएगा। तो ये वाउचर हमने सेव कर दिया है। अब उसके बाद जब आपको रिसिप्ट प्राप्त होगी, ठीक है, जब वो आपको आपके पास रिसीव आएगी, आपके पास पेमेंट आएगी, ठीक है, तो ये आएगी किस में, रिसिप्ट वाउचर में। तो ये आपके पास जैसे मान लीजिए बैंक के थ्रू आएगी, तो इसमें क्या होगा, अकाउंट में जो भी आपका बैंक है वो आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आर्य कंस्ट्रक्शंस 28,562 रुपये। अब जो आपको पेमेंट आएगी वो आएगी 28,562 रुपये, क्यों, क्योंकि उसने TDS काटा है। तो गाइस, जो हमारी कमीशन गिवन एंट्री है वो वैसी ही होगी जैसे मैंने एक्सेल शीट पर समझाई है।
तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।